कोई बात नहीं, वो बेवफा है ने मचा दिया है धमाल। जी हाँ बवाल, जी हाँ कमाल, आपने सही सुना। आपको यकीन नहीं होगा, इस गाने ने महज 5 घंटे में 1.7 मिलियन और लगता है 6 घंटे में ये गाना 2 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। और आपको बता दें कि इस गाने की खूबसूरती के बारे में हम इस गाने का रिव्यू भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि गाना काफ़ी बेहतरीन है। इस गाने को पवन सिंह और प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। दोनों की पॉपुलर जोड़ी इन गाने को 4 चांद लगा रही है। साथ ही साथ इस गाने के लिए मधु शर्मा और पवन सिंह की जोड़ी ने भी कमाल कर दिया है। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी लंबे अरसे बाद आई है और इस एल्बम में इन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है और काफ़ी स्टनिंग लग रही हैं इस एल्बम में मधु शर्मा। आपको ये भी बता दें कि मधु शर्मा पवन सिंह के साथ पहली बार किसी आउटडोर लोकेशन में साथ नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ पवन सिंह का ये गाना काफ़ी खूबसूरत बोल के साथ लिखा गया है। पवन सिंह की जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अच्छे हैं और साथ ही मधु शर्मा के भी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ के लोकेशन और पिक्चराइजेशन की बात कर लेते हैं तो दुबई के कई जगहों पर इसकी शूटिंग की गई है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ जो सीन फिल्माए गए हैं, पवन सिंह का साइकिल पर आना, मधु शर्मा का सिप पर डांस करना और मधु शर्मा का लैपटॉप लेकर काम करना, ये सारे सीन, ये सारे पिक्चराइजेशन बखूबी इस गाने को दिखाते हैं। और साथ ही मधु शर्मा का एटीट्यूड, जी हाँ, इस गाने में जिस एटीट्यूड के साथ, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो नज़र आई हैं और पवन सिंह का जो अंदाज़ है वो काबिले तारीफ़ है। इस गाने में मधु और पवन की जोड़ी बहुत ही बेहतरीन लग रही है। आपको ये भी बता दें कि पवन का ये हिंदी सॉन्ग आगे चलकर काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। साथ ही साथ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इस गाने को नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। इस गाने को हम 5 में से 4 स्टार देते हैं फॉर मधु सिंह के पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए एंड पवन सिंह की बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन गाने के लिए।